हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइस, आज हमारा करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का पार्ट 14 है। इसके पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें। इसमें हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं जिससे लास्ट टाइम पर आप रिवाइज कर पाओ, है ना। तो आज का कोटेशन है, आज थोड़ा नया फॉर्मेट है तो एडजस्ट कर लेना। तो आज का कोटेशन है कि फेथ इन योर सेल्फ, है ना, एंड रिजल्ट विल कम, ऑटोमेटिकली विल कम। क्या आपको अपने आप पर विश्वास रखना है? आज हो क्या रहा है कि हमारी प्रोसेस बहुत लंबी होती है। कोई भी चीज़ है, सक्सेस मिलना एक दिन का काम नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। तो आपको उस टाइम में अपने आप पर विश्वास रखना है। आज हम क्या सोचते हैं कि टॉपर्स हैं तो हमें लगता है टॉपर्स की स्ट्रेटेजी कुछ यूनिक है, पता नहीं मैं पास हुआ कि नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं है। आप अपने आप पर विश्वास रखिए। आप ये देखिए ना, टॉपर्स कितने होते हैं, हर साल यूपीएससी में 750 सिलेक्शन के लगभग हो रहे हैं, है ना। तो हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग है और हर साल, आप कितने साल हो चुके हैं, तो आप इतने सालों में इतने लोगों ने एग्जाम दिया, इतने लोगों ने क्वालिफाई किया, हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग थी पर वो पास हुए ना। तो ऐसे ही है, सबकी स्ट्रेटेजी यूनिक होती है, हम सब यूनिक हैं, हमारी स्ट्रेटेजी भी यूनिक होनी चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आज का जो करेंट अफेयर है वो है मॉडिफाइड सीड्स आर नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया। और सीड्स में क्या होता है, जीन एडिटिंग करते हैं हम, है ना, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जीनियर इंजीनियरिंग, तो उसका जो मॉडिफिकेशन होता है तो वो आप सोचो कि उसे आप मॉडिफाइड करके पेटेंट करा लो इंडिया में, पर ऐसा इंडिया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया में ऐसे मॉडिफिकेशन वाले पेटेंट नहीं होते हैं। सेकंड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे देश के हैं ना, तो फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था ये प्रोसेस, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट कब स्टार्ट हुई थी, तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो पहले कौन थे, ब्रजेश मिश्रा। सेकेंड, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी आप प्रेसाइड्स करते हैं, मतलब उसके हेड होते हैं। थर्ड आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। गाइस, शॉर्ट नोट बनाने हैं मेरे साथ, है ना। तो थर्ड आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये कब आई थी फर्स्ट टाइम, 1999 में। इसका हेडक्वार्टर याद रखना कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसके बाद इसमें एक यूनिक चीज़ है कि ये फंडेड की जाती है इक्वली, सभी वर्ल्ड गवर्नमेंट इक्वल फंडेड करते हैं आपका, है ना। फोर्थ आपका ISDS और अतिथि, दो पोर्टल हैं, किसके हैं ये, तो दोनों आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं। ISDS आपका बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और अतिथि आपका ट्रेवलर्स के लिए, दोनों कस्टम हैं, जैसे कस्टम क्लियरेंस एडवांस में मिल जाए, फास्टर मिल जाए, उसके रिलेटेड है दोनों, दोनों फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं। बस याद रखना है कि ISDS आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और अतिथि आपका ट्रेवलर्स के लिए, ठीक है। फिफ्थ आपका स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है पहला, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, लिख लीजिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। सेकंड, इस पर टॉप में कौन रहता है, तो आपको हरियाणा, कर्नाटका, केरल में से कोई एक दिख जाएगा क्योंकि इनका एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में अच्छा खासा है, ये प्रमोट कर रहे हैं उसको। थर्ड आपका वन कंट्री टू सिस्टम्स, आपने पढ़ा होगा, तो ये वन कंट्री टू सिस्टम कहाँ चलता है, चाइना में। सेवेंथ आपका टॉप रिमिटेंसेस, पहले तो याद रखना रिमिटेंस से रिलेटेड रिपोर्ट आती है वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। सेकेंड आपका टॉप पे कौन है, तो कोविड के बाद भी इंडिया टॉप पर है, क्यों, क्योंकि इंडिया के जो पर्सन्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छे खासे फैले हुए हैं ना इंडियन ओरिजिन के। उसके बाद हमारा एक कल्चर भी रहा है स्टार्टिंग से, क्या कल्चर है कि अपने घर पैसे भेजने का, है ना, ये आपने वेस्टर्न सिटियों में ये इतना नहीं होता है, माँ बाप से अपने फैमिली से इतना मतलब एक होता है ना बॉन्ड, ऐसा नहीं होता है कि आप अपने, या तो दोस्तों को भी पैसे भेज देते हैं दोस्त अगर मानते हैं, ठीक है। तो टॉप रिमिटेंसेस में इंडिया आता है, सेकंड नंबर पे चाइना है। एट नंबर पे आपका बे ऑफ बंगाल लेयर एक्सपेरिमेंट है, बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, तो ये इसे बोबल भी बोलते हैं। ये किस किस कंट्री के बीच में हो रहा है प्रोजेक्ट, इंडिया यूके, और ये क्या है, मॉनसून प्रोडिक्शन वगैरह उसे और बेहतर करने के रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका नाइन्थ है, एक मिलन एक्सरसाइज होती है अपनी इंडियन नेवी करती है उन कंट्रियों के साथ जो फ्रेंडली नेशन से हमारे दोस्त हैं। क्या इसका मेन मोटिव क्या है, एक था ना एक दूसरे की बॉन्ड शेयर करना, कैसे काम करते हैं, एफिशिएंसी लेके आना, नई प्रैक्टिसेस शेयर करना, वो सब। तो इसका फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज बाय इंडियन नेवी और फ्रेंडली नेशन से, याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है, यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछने लगा है, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक राइस से रिलेटेड था, राइस नहीं ब्रिंजल,
तो उसमें IIT ने किसी ने काम किया था, तो वो पूछा गया था। तो ये भी याद रखना आप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। IIT दिल्ली ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इसे सपोर्ट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। नेक्स्ट आपका, हम जब आज़ाद हुए थे तो सबसे पहले आपको आज़ाद होने के टाइम पर हमें एक नेशनल फ्लैग की नीड थी, है ना। देश का एक नेशनल फ्लैग तो होना चाहिए था, तो नेशनल फ्लैग आपका 22 जुलाई 1947 में आ चुका था। पर एंथम और सॉन्ग की बात करें तो ये 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950। अच्छा, 24 जनवरी 1950 को एक चीज़ और हुई थी, राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था। इलेक्ट मतलब एक नॉमिनेट किया गया था और इलेक्ट किया गया था, ठीक है। फर्स्ट कौन थे? प्रेसिडेंट थे। और इसके अलावा 12th आपका बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनी हुई है, कि कौन हेड कर रहा है, कौन चेयर कर रहा है इसको, विवेक देबरॉय सर। 13th आपका नेशनल टाइम रिलीज स्टडी। तो टाइम रिलीज होता क्या है, कस्टम्स पर कितना टाइम लग रहा है माल को, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, वो ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था, वो इसे रिकमेंड भी करता है। तो इंडिया में कौन देख रहा है इसको? फाइनेंस मिनिस्ट्री। किससे रिलेटेड है? ट्रेड रिलेटेड। अब आता है नंद कानन जूलॉजिकल पार्क। तो ये इंडिया में एक ही मेंबर है, ये पार्क जू है जो, वो किसका मेंबर है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम बाजा का ओनली मेंबर है, ठीक है। सेकेंड चीज, इसको गार्डन ऑफ हेवन भी बोलते हैं और एक गॉड्स ऑफ हेवन करके भी बोलते हैं, है ना। और थर्ड, इसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जिसे नंदनकानन एक्सप्रेस ट्रेन भी बोलते हैं, जो न्यू दिल्ली टू पूरी चलती है। ये ओनली जू है जहाँ पर ट्रेन आपकी चल रही है, ठीक है। 15th आपका ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। तो ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन कौन चला रहा है? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। इसमें पूछेगा तो ये बोल सकता है कि कोई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वगैरह, तो आपको लग रहा है ड्रग फ्री है तो वो सही है, इसलिए आप याद रखना सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री गला चला दिया, ठीक है। इसके अलावा इंडिजन प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में, CSIR से लीड कर रही है। इसके अलावा 1000 लोगों के आपको जीनोम सिक्वेंसिंग कर रहे हैं, जिससे इंडिया के जो पर्टिकुलर जीन जीन्स है ना उनके बारे में पता चले, तो हम अपने इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट में कैसे हमारे ट्रांसफॉर्म्स हुए हैं, क्या जीन डिफरेंट जीन्स हैं, वो सब सिक्वेंस करके। तो ये किस में फ़ायदा होगा? तो UPSC पूछे तो ज़्यादातर आप जीन सिक्वेंसिंग के फायदे ऑल होते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट है तो इनके फायदे आप ऑल ऑफ द एबव लगाते हैं हम लोग, पर फिर भी एक बार पढ़ लेना। बहुत बार ऐसा हुआ है कुछ उसने यूनिक दे दिया है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक, वो हो ही नहीं सकता, तो वो गलत भी होता है। नेक्स्ट आपका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इंडिया इसका मेंबर है, पर याद क्या रखना है, ज़्यादातर आपको सारे मेंबर्स मिल जाएंगे इसमें जो इंडियन ओशियन में है, पर दो जो मेंबर नहीं है, एक पाकिस्तान और म्यांमार, हमें बस यही याद रखना है। नेक्स्ट आपका स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, फुल फॉर्म है ये स्फूर्ति का। कौन लेट कर रहा है? KBIC, खादी है ना। और KBIC आती किसके अंदर है? MSME। KBIC एक एक्ट है 1955, उसके थ्रू ये बनी थी, तो स्टेटूटरी बॉडी है। नेक्स्ट आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, RTI एक्ट में बनता है ना ये, तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, गवर्नर को नहीं देता, लेजिस्लेचर को डायरेक्ट नहीं देता, पहले देता है स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर में वो रिपोर्ट रखती है। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशनर को कौन हटा सकता है? तो गवर्नर। और इसकी एज क्या रहती है? 6 to 65 years। नेक्स्ट आपका फूड प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट वैल्यू हमारी कितनी है? टोटल एक्सपोर्ट जो हम करते हैं ना, उसमें आप 10.70% टोटल एक्सपोर्ट में आप फूड प्रोसेसिंग वाला सेक्टर है, तो ये चीज़ याद रखना। गाइज, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है तो डिफरेंट टाइप का होता है पूरे इंडिया में, सॉरी इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, तो वो नाम हमको याद रखने हैं, इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है, मैं अपलोड कर दूंगा, आप चैनल से जुड़े रहें और शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। और ये वाला पैटर्न सही है कि लास्ट जो पैटर्न हम यूज कर रहे थे लिख लिख के देखने का, वो सही है, आप बताएं उसे। और प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो डल चुकी है ना, अब ये 14th वीडियो है, तो प्लेलिस्ट में देख लें अगर आपने नहीं देखी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।